मध्य प्रदेश पार्षद चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद इस्तीफों का जो दौर है वो जारी है। वार्ड 56 से पूर्व बीजेपी पार्षद केवल मिश्रा का टिकट कटने से नाराज उनके समर्थक सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बंगले पर पहुंचे। बाहरी व्यक्ति को टिकट देने से नाराज समर्थकों ने धरना दिया, जहां वो पार्टी से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। समर्थकों से सांसद ने बात कर कहा कि वो उनके साथ हैं, पार्टी के नियमों को ताक पर रखकर टिकट दिए गए हैं। सभी लोग यहाँ आ चुके हैं, सभी लोग इस्तीफा देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जो जिले के सांसद है प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, उनके इस्तीफा देंगे सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। और अभी भारतीय जनता पार्टी अभी नहीं समझी तो वार्ड 56 में कांग्रेस जीत जाएगी और भारतीय जनता पार्टी वहाँ हारने की कगार पर है। पूरे बूथ अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं, पालक और संयोजक भारतीय जनता पार्टी वार्ड 56 के यहाँ पे सब लोग सारे लोग और ये नीरज सिंह कौन सी फ्लाइट से आ गए या ऊपर से पैराशूट से नीचे उतर गए, और ऐसा लग रहा है कि वार्ड 56 सारे कार्यकर्ता। आप लोग किस चाह रहे हैं कि किसको टिकट हासिल दिए? देखो भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी का काम करना चाहते हैं, और दूसरी बात ये है कि हम हमारा क्षेत्र पार्षद जो पहले से संलग्न है, जिसने विकास की गंगा बाई वार्ड क्रमांक 56 में केवल मिश्रा जी, हम ये चाहते हैं कि हम सारे कार्यकर्ता जो हैं लगनशील मेहनत से भारतीय जनता पार्टी का काम करते रहे निरंतर। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है जिसको हम छोड़ें, और अगर यहाँ पर ये इस तरीके का काम होगा कि बाहर से कोई आ रहा है किसी दूसरी पार्टी में आप लोग ज्वाइन करना है क्या? कैंडिडेट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हम नहीं जानते, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वार्ड 56 की यही पुकार।